हेलो चेक में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको 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 मैं बोला है तू आए तो दो पल साथ बिताए तो दिल के राज सुनाऊंगा मुझको रोको गुड uh, इवनिंग आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और सही सलामत रह रहे हैं आप तो दोस्तों गुड इवनिंग एंड वेलकम टू समता ऑडियो मैं समर रॉय आज के आज के जो इवनिंग में मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊँगा कुछ आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस लेके और कुछ आंसर्स लेके तो नमस्ते जी आ, अभी राजू दर्नल जी आ गए सर नमस्ते जी नमस्कार राजू भाई और जॉन मोसेस नमस्कार सर लॉर्ड्स ऑफ लव टू यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मुझे पता है जॉन मोसेस ऑस्ट्रेलिया में अभी टाइम कितना हुआ अभी राजू जी मैं ठीक हूँ अच्छे हूँ आप लोग शायद उम्मीद करता हूँ अब भी अच्छे हैं घर में सब कुछ अच्छे होंगे जॉन मॉसिस प्लीज़ आप सुनाइए आपका हाल कैसा है और म्यूज़िक के ले कैसे आगे बढ़ रहे हैं आप वेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए राजू जी आपने जो क्वेश्चन किया है प्रोटूल्स फास्ट में ना प्रोटूल्स फास्ट में आप हम लोग मिक्स मास्टर कर सकते हैं देखिए प्रोटूल्स फास्ट में तो एक तो बात ऐसा है कि वहाँ पे आ, ट्रैक्स का जो फैसिलिटीज़ है बहुत कम है तो आप तो कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास जो गाने का जो स्टेम्स है वो कम रहेगा तो आप ऑब्वियसली मिक्स भी कर सकते हैं और प्लागिन अगर रहेगा तो मास्टर भी कर सकते हैं लेकिन Uh, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने देखा है वहाँ पे कुछ प्लागि का कमी है तो और थर्ड पार्टी प्लागिंगस भी एक्सेप्ट नहीं करता तो अब मैं आपको कहूँगा राजू जी आप मिक्स उसमें कर लीजिए और मास्टरिंग किसी और डॉ में कर लीजिएगा अगर आपको पास वहाँ पर कैपेबल नहीं है तो हाँ जवाहर मस्जिद जी दोपहर दो बज रहे हैं आप यहाँ पर तो मैं मान लेता हूँ कि आपका ऑस्ट्रेलिया में जो अभी मतलब आपका लंच वंच होगी सब कुछ हो गया मौसम भी बहुत अच्छे होंगे और गोइंग गुड ऐसी जॉन मोसेस जी हाँ तमिल वीडियो सॉन्ग्स हाँ भाई भाईजान फिर से आप हाजिर हो गए मैं ठीक ठाक हूँ सर जी आपका हिंदी दिन दी, दी, के दिन अच्छे होते जा रहे हैं मेरे जैसा आ, आ, आप आप तमिल वीडियो सॉन्ग्स जो आपने पूछा है आप कैसे हैं तब ठीक ठाक तो होगा और आपका म्यूज़िक कैसे चल रहा है बोलिए कोई सबल म्यूज़िक के लिए है क्या हाँ जॉन मोसेस जी वन टू यूज़ मोनो एंड वैन टू यूज़ स्टीरियो प्लगइन्स देखिए जब uh, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ जब आप कोई मोनो स्टेम यूज़ कर रहे मतलब मोनो ऑडियो ट्रैक जब यूज़ कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम uh, जगह पे आपको मोनो प्लगइन्स देना पड़ेगा क्योंकि देखिए uh, क्योंकि आपका सिग्नल जा रहा है मोनो तो उसमें आपको मोनो प्लागिन्स देने से ही uh, अच्छा फल मिलेगा लेकिन अगर आप सेंड में कुछ देना चाहते हो जैसा कि उसका सेंड में अगर आप कुछ देना चाहते हो जैसे कि रिवर्ब, डिले और कोरस या थ्री कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट आप देना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि ऑब्वियसली आप सेट में स्टूडियो प्लाग डालें तो अच्छा रहेगा सुनाई में पंकज रावा सर ओ बी अच्छा ओ को डॉग के साथ कनेक्ट कनेक्ट से रिवर्ब, डिले इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड होता है ओबी ओ बी एस को बोलते तो आपको कौन सा ओ बी एस बोल रहे हैं आपका क्या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहे हैं ओ बी एस मतलब कौन सा ओ बी एस बोल रहे हैं आप फिर से क्लियर करके लिखिएगा तो मैं समझ में आ जाएगा मेरे को और आगे से मैं आपको भी और भी एक फैसिलिटी दूंगा क्योंकि देखिए लीक के तो हम आप बता सकते हो ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत देर लगता है और अगर ट्रैफिक जाम होगा तो धीरे धीरे आता होगा तो आगे से हम लोगों ने ऐसे मतलब कुछ प्लान किया है कि आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो और बात भी कर सकते हो लाइव ठीक है तो हम कोशिश कर रहे हैं वह, वो वो सब मतलब टेक्निकली जो प्रोसीडियोर्स है ये सब टेक्निकल्स हमारा जो है वो काम कर रहे हैं जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका कॉल्स हम ले पाएंगे और आ, ओ बी एस स्टूडियो अच्छा ओ बी एस स्टूडियो में आप जो करना चाहते हैं पंकज जी ओ बी एस स्टूडियो के डॉ के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं आप जैसे कि हम लोग भी कर लिया है क्योंकि ओ बी एस स्टूडियो जो एक्चुअली एक्चुअली वो तो स्क्रीन को लेता है ना तो स्क्रीन को ले आपको ले सकते हैं और रिवर्ब डिले इफेक्ट के साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको लेकिन उसके लिए आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर अच्छा सा कोई स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए ओ में भी अच्छा सा स्क्रीन रिकॉर्ड होता है लेकिन कभी कभार उसका सेटिंग अगर ठीक ठाक नहीं होंगे होने से तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो आप उसके साथ एक स्क्रीन सेवर भी मतलब एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी खरीद लीजिएगा तो अच्छा रहेगा और उसके बाद ये है एडवेंचर्स कूनल अच्छा एडवेंचर्स कूल मैं बोले तो क्या हमारा वो कूनाल है जो मतलब यहाँ पे पढ़ाई करता था यहाँ पे पता नहीं हाउ आर यू सर आई एम वर्किंग इन जैम फिफ्टी टू स्टूडियो एंड एज ए फ्रीडेंसर अच्छा अच्छा समझ गया कनल तुम यहीं पे हो हमार मतलब हमारा स्टूडियो का ही स्टूडेंट्स uh, हो तुम uh, कहाँ पे काम कर रहे हो अभी जैम फिफ्टी टू स्टूडियो में अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एज ए फ्रीडेंसर ऑल्सो थैंक्स फॉर योर टीचिंग ऐसे कनल कभी कभार आया भी करो हमारा स्टूडियो में हम भी कर, बहुत दिनों से तुम्हारा चेहरा तक भी नहीं देखें कोई बात नहीं पंकज जी स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आपको जो मैंने बोला एक अच्छा सा स्क्रीन रिकॉर्डर खरीद लीजिएगा क्योंकि ये जो फ्री मिलता है आपको ना ये फ्री में आपको कुछ हद तक ठीक ठाक देगा साउंड उसके बाद लेकिन आपको लफड़े में डालेगा वो जो ज़बरदस्ती दबड़ लफड़े में डालेगा तो जो खरीद ख़रीदा हुआ जो सामान है ये सबसे बेस्ट रहता है गणपति फिल्म जी अच्छा गणपति जी कल से कल काल ही तो आपसे बात हुआ था ना फ़ोन पर कि बस में रिवर्प और डीले कैसे लगा जाए सर ये तो वेरी सिंपल है की में रिवर्ब डिले जैसे सेंट किसर से लगाते थे वैसे ही आप लगाएंगे ना सेंड में देंगे आप ठीक है इंसार्ट में मत दीजिएगा सेंड में दीजिए रिवर्ब और डिले और आप भी कभी कभार आपका मतलब जो प्रोडक्शन जो है वो हमको सेंड किया कीजिए कि हम भी सुने आप कितने अच्छे आगे बढ़ रहे कुणाल घर सबाई भाला आचे बाड़ी तो सबाई तो आलो थे जन भलो है जॉन हाँ जी ये मेरा बहुत पुराना एक मेरा फॉलोवर्स है इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सर आई कैन यूज़ स्टूडियो मोनिटर्स विदाउट साउंड प्रूफ रूम माय बजट इज़ लो मैं जॉन सर जी मैंने आपको एक बोला कि कि आप साउंड प्रूफ रूम के बगैर मतलब साउंड प्रूफ ऐसा तो बहुत सारे कुछ है साउंड प्रूफ एक होता है और ट्रीटेड uh, रूम मतलब रूम uh, को जो ट्रीटमेंट करते हैं साउंड ट्रीटमेंट जो करते हैं उसको भी एक होते हैं तो आपका अगर रूम अगर ट्रीटेड है साउंड ट्रीटेड है तो आप ऑब्वियसली मोनिटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बोलूँगा जगह अगर आपके पास प्रॉब्लम कुछ है तो मतलब रूम पे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बाहर का साउंड अगर कुछ प्रॉब्लम करता है तो रूम मोनिटर्स पे आपको ठीक ठाक साउंड आपको सुनाई नहीं देगा ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा पार्ट से है पता नहीं आप कौन से पार्ट से बोल रहे हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत कूल कूल सिटी है मेरे जहाँ तक मतलब कूल कंट्री है जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक में वहाँ से बिलोंग किया करता था और बजट आपका जब लो है तो आप एक एक अच्छा सा कोई स्टूडियो हेडफोन खरीद लीजिए उसमें आपका काम पूरा हो जाएगा ठीक है और विच इज़ द बेट हे, बेस्ट हेडफोन्स फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग मैंने आपको बोलूँगा कि ए, ले लीजिए बहुत सारे कुछ है आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे मतलब स्टूडियो हेडफोन uh, मतलब फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग तो आपको बहुत कुछ मतलब कंपनी uh, का नाम सामने आ जाएंगे उसका जो रिव्यू है रिव्यू देखकर आप खरीद दीजिएगा लेकिन सस्ते वाला मत खरीद दीजिए थोड़ा सा प्राइसिंग खरीद दीजिए तो, तो आपको मतलब आपका जो काम आएगा वो ठीक ठाक से देखिए मैं मिक्सिंग के लिए और मास्टरिंग के लिए कोई हेडफोन का ऑफिशियली यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि आ, ये तो मतलब अगर बोलूँगा मैं तो एक मतलब प्रमोशन हो जाएगा किसी को कोई कंपनी का तो हम लोग ये नहीं चाहते ये हमारा रूल की बाहर भी है आ, क्योंकि ये उन लोगों का प्रमोशन मतलब करने के लिए हमको कुछ आ, हमारा जो कंपनी है कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा है अगर मिलता अगर उन लोग अगर प्रमोशन करता तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ बोलते हैं खैर छोड़िए आप कोई अच्छा सा एक हेडफोन ख़रीद लीजिएगा जो हेडफोन आपका काम आए ये तो मैं नाम तो बोल ही सकता हूँ लेकिन अभी बोल नहीं सकता नारायण ओझा गुड इवनिंग सर जी कैसे हैं आप आप सुनाइए आप कैसे हैं गणपति जी आपसे आपसे कल बात तो हुआ था आ, आपका प्रोडक्शन शायद हमने सुने होंगे यस हाँ स्टूडियो परम्परा दीपन हेलो सर दीपन बाबा क्या बोना चाहिए बाई थे हलो तो सबाई बहुत दिन जोगाजोग नहीं ड्यू टू कोरोना नीलेश पांडे सर आपका सभी वीडियो जबरदस्त होते हैं अरे ज़बरदस्त तो आप लोग बनाते हैं हम थोड़ी मैं करता हूँ ज़बरदस्त आप लोग बनाते हैं तभी जा ज़बरदस्त होते हैं और मैं बहुत ही मजे से बहुत ही हाथ खेल कर मतलब जो लोग यहाँ पे क्लास करते हैं उनको पता है हर एक सोल्यूशन जो होता है एक मतलब एक तो फिजिक्स का तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे तो क्वेश्चन होते हैं बहुत साउंड में तो उनका जो जो डेमोस्ट्रेशन हम देते हैं ना वो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ कोई हादसा इसके साथ दे रहे हैं तो वो लोग भूलते नहीं तो वैसे ही हाथ खेल के हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं इसीलिए आप लोग ज़बरदस्त करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे मज़ाक कभी भी कर लेता हूँ आप लोगों से अच्छा डीजे राहुल एक्सक्लूसिव सर जी अपने पास स्टूडियो मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं स्टूडियो मिक्स नहीं है तो क्या है साउंड क्रैप्ट एफ एक्स मैनुअल मिक्सर है तो साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं बताइए देखिए एफ एक्स साउंड एफ एक्स ट्वेंटी फोर है ना एफ एक्स ट्वेंटी फोर में आपका मैनुअल मिक्सर जो है मैनुअल मिक्सर मैं आपको कहूँगा इस इज द बेस्ट मिक्सर ओके रदर देन डिजिटल मिक्सर क्योंकि मैनुअल मिक्सर में आपको जो टोन मिलेगा अगर अच्छा प्रिया उसके अंदर है तो जो टोन आपको मिलेगा बहुत बढ़िया टोन मिलेगा आप अगर उसको ठीक सही तरह से इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से टोन मिलेंगे लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बारे में अगर पूछा जाए तो उसमें अगर बास फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपको आउटपुट सेपरेड आउटपुट नहीं देगा एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो इंटरफेस अगर होंगे ऑब्वियसली आप उसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे लेकिन दो ट्रैक से मतलब एक लेफ्ट चैनल से एक ट्रैक निकलेगा राइट चैनल से एक ट्रैक निकलेगा जो आपका मास्टर से निकलता है लेकिन यार देखिएगा डायरेक्ट मास्टर आउटपुट जो है वहाँ पे कनेक्ट मत कीजिए टेप आउट जो है देखिए हर एक मिक्सिंग मिक्सिंग काउंसिल के पीछे एक टेप आउट होता है जिसका इंपिडेंस उसी हिसाब से बना जाता है ताकि वो जब दूसरा कोई ऑडियो uh, इंटरस में जाए तो उसका वो ज़्यादा ना घुस जाए उसके अंदर सिस्टम नहीं तो खराब हो जाएगा तो दो ट्रैक में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है नारायण जी हाँ फाइन सर जी ठीक है अबिक्रॉय दादा भलो तो लॉकडाउन कैं काट অভিজ্ঞ জি বা লকডাউন কেমন কাটছে সেটা তো আর বলার নয় বেসিক্যালি আমরা যারা এই লকডাউনের মধ্যে পড়ে আছি যারা কাজের মানুষ লকডাউনে যারা পড়ে আছি তারা খুব হারে হাড়ে টের পাচ্ছি যে লকডাউন কেমন কাটছে আর কি সো বেটার এটা মনে না করানো আজকে বেশ টুকটাক বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে ওয়েদার ইজ মৌসুম বহুতই আচ্ছা হয় বারিশকে মৌসুমে অলমোস্ট অলমোস্ট ইন কলকাতা पेन किलर अच्छा हेलो कैन आई आस्क यू रिकॉर्डिंग क्वेश्चन व्हाई नॉट अच्छा अरे क्वेश्चन करने के लिए तो मैं बैठा हूँ और आप आप लोगों को मैं बुलाया इसलिए ना अगर कुछ अगर आपका दिल में कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली पूछिए अगर मेरा मतलब ज्ञान में है तो मैं आपको जवाब दूँगा नहीं तो मैं बोलूँगा इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी कोई बात नहीं हाउ टू रिकॉर्ड ए कैर के ट्रैक विथ ए वोकल कैरकट ट्रैक सर सा भोकाल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे मतलब आपको दो ट्रैक लेना है एक स्टीडियो ट्रैक लेना है और एक मोनो ट्रैक लेना है स्टीडियो ट्रैक में आप जब आपका जो कैरकोट ट्रैक जो है उसको डाल दीजिए और उसका जो इनपुट लेवल मतलब उसका जो व्यू मीटर अगर है वहाँ पे आपके पास जगह व्यू मीटर है तो लगा के देखिए उसका जो प्रीमिक्स लेवल जो जो है वो कहाँ तक है उसको ज़्यादा मत रखिएगा जीरो के नीचे रखेंगे तो अच्छा है ऐसे रखते हुए आप अगर वोकल को रिकॉर्ड करेंगे वो भी माइनस सिक्स डिग्री टेम्परेचर में तो ऑब्वियसली uh, आपको एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए और उसी के हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग uh, ऑटोमेटिक हो जाएगा लेकिन रिकॉर्डिंग लेवल ठीक रखिएगा हाँ मा ज्यादा ज़्यादा रिकॉर्डिंग लेवल करेंगे तो आपका साउंड लेकिन फटा हुआ आएगा डिस्टोर्ड आएगा हाँ नारायण जी फिर से सर जी uh, कोई अच्छा सा मीडी क्यूवर बताइए नारायण जी मैंने आपको एक बात, बात मतलब बोलना चाहता हूँ आपको नहीं सभी को बोलना चाहता हूँ अच्छा सा मीडी की बोर्ड मेरा पीछे पड़ा हुआ है आप देख पा रहे लेकिन मैं कभी नहीं बोल सकता कि ये अच्छा है वो अच्छा है बहुत सारे कंपनी का मीडी की बोर्ड है जो अभी आ रहा है आ, अच्छे से आ रहा है मैं किसी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर क्योंकि वो प्रमोशन हो जाएगा तो मैं प्रमोशन के लिए ऐसे बोल नहीं सकता हूँ आप मेरे को अलग से अगर व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं हो सकता है आपको सवाल का जवाब दो कोई भी मार्केट में जो मीडी कीबोर्ड मिलता है कुछ फलाना कुछ की का मीडी की मिलते हैं मतलब कंपनीज uh, का uh, उनका मीडी आप ले सकते हैं लेकिन आपका जो uh, ज़रूरी है मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट्स है उसी हिसाब से अगर वो कीबोर्ड है कि की नहीं एक बार देख लीजिएगा आप ठीक है सर डू यू रिकमेंड मिक्सर पैनल एंड मीडी की फॉर बेसिक स्टूडियो सेटअप मिक्सर पैनल जॉन जी Uh, mixer uh, panel, actually, uh, uh, what I recommend to you, the mixing panel is not necessary for recording purpose. Uh, if you are thinking, first of all, you have to think that uh, what you are doing for and what is your motto basically. So, if music production is a motto, then you have to come to a MIDI keyboard and an audio interface. If uh, you go for an audio interface, then you are half ready with your computer and just buy uh, a MIDI keyboard, then it is uh, sufficient. But if you go for uh, recording uh, audio signal via the microphones, that time you have to purchase a mixing console. I mean, that, that is not, not too much large, but two channels is sufficient for you also because nothing, nothing bad because you are going to record only one vocal, yeah, one guitar. Okay? So, mixing console, yeah, mixing panel is not necessary, but if you go for vocal recording according, uh, according to your wish. और समथिंग एल्स दैट टाइम इट इज़ नेसेसरी बट नॉट टू मच वीक यू नो दैट सो चलिए जन जी इसके बाद पेन किलर एट वन सिक्स टू कैन यू शो इट इफ यू डोंट माइंड थैंक्स व्हिच वन क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ अच्छा यहाँ पे uh, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ना ऐसा आपसे पूछा था कहने उसके वन क्वेश्चन टू कैर ट्रैक विथ वोकल रिंग हाँ ये कैरा का ट्रैक है वोकल ट्रैक्स में आपको मैं एक तो दिखा सकता हूँ जैसे कि जब, दिखा सकता हूँ लेकिन अभी लाइव में आपको मैंने कैसे दिखाऊँ ये भी तो एक चढ़ा है ना कि आप तो मैं दिखा जाऊँगा तो बहुत टाइम खा जाएगा तो ऐसे ही हमारे पास एक घंटा टाइम है ऑलमोस्ट जैसे कि नाइन थर्टी में हमने स्टार्ट किए थे सो वी हैव टू एंड इट इन बिटवीन नाइन थर्टी सॉरी टेन थर्टी तो कभी कभार हम दिखा दे, दिखा देंगे कोई वीडियोस में हाँ आप लोग आप लोग जो कमिंग जो वीडियोस है कभी हम दिखा देंगे आपको प्लीज डोंट माइंड हम देखेंगे आपका जो सवाल था आ, उसके बाद बंसीलाल मेरा बात सर मेरा एम ऑडियो एम प्लस साउंड कार्ड है आज साउंड कार्ड में नॉइज आ रहा है ये साउंड कार्ड ठीक कहाँ होता है सर जी एम ट्रैक में नॉइज आ रहा है एम टैक्स एम ट्रैक में ये ऐसा कुछ गैजेट्स हैं सिर्फ एम ऑडियो का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ कोई भी ऑडियो जो बजा बहुत पुराना हो जाता है और मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत मतलब काम हुआ बहुत मतलब राफ़ यूज़ हुआ ऐसे इन ऑडियो इंटरफ़ेस में धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको नॉइज फ्री में मिलेगा ये तो सीधी सी बात है इसको आप ठीक मत कीजिए अगर ठीक करने जाएंगे तो पहली बात है जो प्राइस आपको आएगा मतलब जो आपको देना पड़ेगा भरना पड़ेगा जो पैसा उस पैसे में आपको नया साउंड कार्ड आपको मिल जाएंगे सबसे अच्छा है इसको आप मतलब जैसे बोलते हैं ना आप बेच डालिए किसी किसी को मतलब वो एल जैसा जैसे जा जा बोलते हैं बेच डालो तो आप बेच डाल सकते हैं उसको बेहतर होगा दिस इज वन एंड ऑनली पॉलिसी और ये साउंड का ठीक कहाँ होते हैं साउंड का देखिए आप कहाँ से बोल रहे हो पता नहीं अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली के दिल्ली में बहुत सारे ऐसा दुकान है जहाँ पे ये सब ठीक होते हैं लेकिन पता नहीं जब इंडियन वो जो आ, पावर थर्मल पॉइंट जब वहाँ पे टच हो जाएगा तो कैस कहाँ से कैसा हरकत करेंगे पता नहीं चलेगा अभी तो आपको वाइटनेस मतलब आ रहा है उसके बाद और क्या क्या आएगा पता नहीं है ठीक है तो ওয়ান পলিসি অ্যান্ড ওয়ান আপকু উসকু বেস ডালি আপ জ্ঞানেশ বিশ্ব জ্ঞানেশজি হাই ক্যাসে আপ স্টুডিও পরম্পরা স্যার বাবা ভালো আছে বাড়ির সবাই ভালো আছে স্যার আমার শরীর আচ্ছা আপনার শরীর কেমন আছে আমার শরীর ডিপেন্ড আছে ঠিকঠাক এখন পর্যন্ত ঠিক রাখতে হচ্ছে এনিওয়ে কাজ চালিয়ে যাও কাজ ফাজ করো ঠিকঠাক মতো করে আর প্র্যাকটিসটা ছেড়ো না ठीक है तमिल वीडियो सॉन्ग्स बाबा की देख अच्छा ये दीपन बाबा की वो आचे ना कि संगे ओने एनी anyway, तमिल वीडियो सॉन्ग्स साउंड कार्ड वर्सेस सीपी यू मदरबोर्ड का साउंड कार्ड क्या फ़र्क है सर हाँ तमिल वीडियो सॉन्ग्स आपने जो सवाल करते हैं ना बहुत अच्छा अच्छा सवाल करते हैं मज़ा आता है थैंक्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हाँ हम लोग सोचते हैं दो चीज़ एक वो भी मैं भी सोच सकता एक ज़माने में ये साउंड कार्ड तो एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड में है इनबिल्ट वो भी कभी कभार देते हैं 5.1, 7.1 वन सेवन पॉइंट वन देते हैं ना आजकल के ज़माने में देखते हैं हम मदरबोर्ड में 7.1 पॉइंट वन साउंड साउंड कार्ड है इसके अंदर तो ये जो साउंड कार्ड है और जो एक्सटर्नल जो साउंड कार्ड है दोनों में फ़र्क है एक तो फ़र्क है कैसे फ़र्क है एक्सटर्नल साउंड कार्ड इज़ ऑनली मेड फॉर एक्सटर्नल हैवी साउंड क्वालिटी प्रोडक्ट साउंड्स बट इंटरनल साउंड कट्स लाइक द मदरबोर्ड में जो साउंड कट्स होते हैं ये साउंड कट में आपको कोई भी एक आप कंप्यूटर में कोई एक प्लेबैक कर रहे हैं तो उसको आपको अच्छे से प्लेबैक देगा वो क्वालिटी अच्छा देगा लेकिन यू के नॉट रिकॉर्ड एनी थिंग समान बिकॉज इसका क्वालिटी आपको दम मार्क नहीं होते हैं और ये तो नंबर वन पॉइंट गया दूसरी बात है कि उसका इनपुट लिमिटेड है एक या दो इनपुट रहेगा आपको जो आपको जो मतलब एक छोटा सा पिन जैसा होता है ना वो उस 6.5 पॉइंट mm एम जो पिन होता है उसे पिन के जरिए आपको आ, उसको इनपुट देना पड़ेगा लेकिन दट इज़ वेरी टाफ़ वेरी मतलब होगा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं होगा रिकॉर्डिंग होगा लेकिन बहुत ही टाफ़ है और उसको क्वालिटी आपको ठीक ठाक नहीं मिलेगा सबसे लास्ट में मैं कहूँगा कोई भी ऑपरेटिंग uh, मतलब डॉ आपके पास जो डॉ है कोई भी डॉ वो वाला साउंड कर को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर आ, जो बाफर रेंज जो होता है ना हमारा जो जब हम लोग सैम्पल बाफर करते हैं कोई भी ऑडियो इंटरफेस लेके जब हम काम करते हैं तो ऑडियो बाफर रेंज उसमें काम करता है वो बाफर रेंज बिल्कुल है ही नहीं तो इसीलिए वो सपोर्ट नहीं करेगा फर्क से इतना ही है जॉन मसे सर पीपल नॉलेजबल लाइक ह्यूल चार्जर लॉट फॉर टू टू ट्रिप्स इन साइड सिडनी सर जी मैं जॉन जॉन मोसेस जी आई वॉज ऑफ आई वॉज सिडनी ऑल्सो और जोनजबर्ग इस सब जगह में मैंने मैंने पढ़ाई भी किया था एंड यू शेयर फॉर फ्री थैंक यू ये शेयर नहीं है देखिए जॉन मोसेस जी एक्चुअली क्या है uh, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ देखिए मैं मेरा जितना भी हर एक आदमी का एक एक उम्र होता है एक ज़िंदगी का टाइम लैप्स होता है ना टाइम स्पेन होता है कोई पचास साल जिंदा रहता है कोई साठ साल जिंदा रहता है कोई तीस साल जिंदा रहता है कोई अस्सी साल जिंदा रहता है ऐसे लेकिन अगर कहा जाए आप ठीक से एक बार सोच के देखिए अगर कहा जाए मैं लेकिन आप लोगों के बीच में कम से कम दो सौ साल जिंदा रहूँगा तो मैं ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे जाने के बाद भी मैं आपके अंदर जिंदा रहूँगा आपका कल्चर के अंदर ज़िंदा रहूँगा और आप मेरे को याद करेंगे हर एक आदमी चाहते हैं कि उनका ज़िंदगी छोटा हो लेकिन बहुत मतलब व्याप्ति जिसको बोलते हैं उसका सराउंडिंग्स बहुत बड़ा हो ऐसा नहीं है कि एक आदमी किसी का काम का नहीं आया और वो सौ साल जिए उसको ज़िंदगी का क्या भा, क्या भालू है क्या फ़ायदा है ठीक है ना तो आई ऑलरेडी uh, मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब मैं अपना जो ये जो जो शिक्षा मेरे को मिला है बहुत सारे uh, मतलब कंट्री से जो मेरे को शिक्षा मिले हैं मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों से बांट दिया जाए तो उसमें मेरा ज्ञान कमेगा नहीं और भी बढ़ेगा आप आशीर्वाद से आपकी दुआ से uh, तो उसके बाद गणेश जी अच्छा मैं आपके वीडियो को फॉलो करता हूँ बहुत अच्छी नॉलेज मिलता है थैंक यू सर थैंक यू गणेश जी जो मेरे को आप फॉलो करते हैं देखिए एक्चुअली आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द मनी बिकॉज आई गॉट गॉट इट मच मोर बिकॉज ऊपर वाला मेरे को जो दिया है ठीक है लेकिन आपको जो चाहिए मतलब आपका म्यूजिक अगर मतलब बहुत बढ़िया बनेगा तो आप जितना भी ना चाहे फिर भी आपका दिल के कोने से कभी भी मेरा नाम मतलब उगर के आएगा सामने है ना तो आप उतना ही कीजिएगा बस इतने ए, ये ये मेरे लिए बहुत कुछ होंगे नीलेश पांडे म्यूज़िक प्रोडक्शन के कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है प्रोटल्स या क्यूबी एस प्रो नीलेश जी मैं आपको एक बोलूँ कोई भी डॉ ख़राब नहीं है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहते हैं तो आप क्यूबेस टेन या क्यूबेस फाइव सेवन जो है एफ एल स्टूडियो बोलिए लॉजिक बोलिए कोई भी ये में जा सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस में ज़्यादा फ्री मतलब मतलब फ्री हैं काम करना अच्छा पसंद करते हैं तो उसी में आप काम कर सकते हैं लेकिन टोटल्स कुछ अलग है प्रोटल्स में अगर आपको ज़्यादा जा, जानकारी नहीं है डिटेल्स आप नहीं जानेंगे तो प्रोटल्स को आप ऑपरट नहीं कर पाएंगे तो वो आपके सामने बिल्कुल बेकार लगेगा लेकिन मैं कहता हूँ जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके सामने प्रोटूल्स बेकार है लेकिन आप दुनिया में कोई भी बड़ा बड़ा मतलब मीडिया हाउस या स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ तो पे सिर्फ आपको एक ही सॉफ्टवेयर या डॉ आपको दिखाई देगा दैट इज़ प्रोटूल्स जितने बड़ा बड़ा ग्रामीण वर्ड्स अभी के अभी निकल रहा है क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी थर्टी सिक्स कंट्री घूम चुका हूँ मुझे पता है कहाँ पे कौन सा काम कर रहा है और मैं वहाँ से जब पढ़ाई किया था जब मैं पढ़ाई के टाइम में जब किए थे तो मैंने सिर्फ वही को उसी को ही देखा है तब वन पॉइंट सिक्स द प्रोटूल्स नाव इट इज इट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड इट इज गोइंग प्रोटूल्स इज लाइक दैट टू थाउजेंड ट्वेंटी तो मैं किसी को खराब नहीं बोलता लेकिन आप अगर प्रोटूल्स को एक बार ठीक ठाक से जानेंगे तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं प्रैक्टिस uh, करेंगे तो दिस इज द इजिएस्ट वन डॉ इन द वर्ल्ड उसके बाद शान कुमार जी सर कैन यू प्लीज टेल मी जब मैं वेब्स का कुछ प्लगइन्स यूज़ करता हूँ नॉइज़ क्यों आता है डॉट 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 इसके बाद जब मैं बंद करता हूँ कम कर देता हूँ तब ठीक हो जाता है इसका कुछ सॉल्यूशन <coughs> शान जी वेब्स का जिस जिस प्लगइन्स को आप जब भी यूज़ करते एक नॉइज़ आता है आपने शायद एक गौर नहीं किया थोड़ा बहुत लैटेंसी भी आता है थोड़ा सा लेटेंसी भी आता है और ये आता है जो ख़ासतौर पे एच रिवर्व एच कम्प्रेशर है ना मैं ठीक बोल रहा हूँ तो एच कम्प्रेशर एच रिवर्व का जो प्रोसेसिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा सीपीओ को लोड ले लेते हैं इसीलिए थोड़ा सा लेटेंसी उसमें आ जाता है अगर आपके पास प्रोटूल्स का अपर वर्सन है जैसे कि ट्वेल्व है तो ऑटोमेटिकली प्रोटोस क्या करता है उसका जो लेटेंसी है उसको कॉम्पेंसेट करता है इसे कहते हैं डिले कॉम्पेंसेशन ऑटोमेटिक दूसरा जो ट्रैक है उसके साथ कॉम्पेंसेट कर लेता है तो आपको लाइडेंसी मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन जो नॉइज़ है ये नॉइज़ को आप खा नहीं सकते यूजली बट ये जो नॉइज़ है इसको आप दूसरी तरीके से खा सकते हैं आप एक वहाँ पर वेव का ही एक नॉइज़ किलर जैसे है मान लीजिए फोर 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 के या फोर पॉइंट फाइव के ऐसा हार्ट में थोड़ा सा नॉइज़ को नॉच कर दीजिए तो वो नॉइज़ गायब हो जाएगा वहाँ से लेकिन उसको थ्रेश आपको धीरे धीरे एडजस्ट करके सुनना पड़ेगा कि नॉइज़ आ रहा है कि नहीं लेकिन ज़्यादा मत कर दीजिएगा नहीं तो जो क्लैरिटी है ऑडियो का वो खत्म हो जाएगा एक बार आजमा के देखिएगा प्लीज़ ठीक है स्टूडियो परम्परा हाँ सर प्रैक्टिस हो चे कि छोटो खाटो काज करोटो हाँ, खाटो काज करते करते को, तो बड़ो बड़ो काज करवे दीवन एग्जी जाओ सर मेरे दिखे नरेश भजन जी सर नमस्ते नमस्ते नरेश जी कैसे हैं आप अ स्टूडियो परंपरा अपन आवाज तक तो भारी भारी लगছে भारी भारी লাগার কারণ আছে কারণ আজকে সারা দিন তেমন কিছু কথাবার্তা বলা হয়নি চিৎকার ক্লাসে থাকলে যেটা হয় চিৎকার চেঁচি হয়ে তো ন্যাচারালি গলাটা তো পাতলা হয়ে যায় এমনিতেই अ प्रवीण দা স্যার গুড ইভিনিং আ গুড গুড ইভিনিং प्रवीण जी किक और बास गिटार का ट्रैक मोनो या स्टीरियो होना चाहिए प्रवीण जी आ, मैं आपको एक बात बताऊं लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट एनी कंटेंट ट्रैक्स जो है वो है अगर बास गिटार वो है आपका किक ड्रम्स अगर वोकल्स मान लीजिए कोई टिम्पनी का लो लो कप का रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसको आप मोनो लीजिएगा स्टूडियो मत लीजिए आप चाहे दो तीन ट्रैक में इसको लेयर कीजिए कोई बात नहीं है प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन उसको मोनो लीजिए क्योंकि उसमें आपको साउंड का जो राउंडनेस अच्छा मिलेगा चलिए इसके बाद देखते हैं गणेश बिशवा गणेश जी सर भोकल मिक्सिंग करते समय थ्री लेयर होना ज़रूरी है क्या हाँ जी थ्री लेयर होना ज़रूरी है क्या ऐसा कुछ है नहीं आ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अगर आपको वोकल में Uh, कुछ बाद में कुछ डिज़ाइन करेंगे जैसे मान लीजिए कि uh, थोड़ा सा सेंटर बॉयस हाफ पैनिंग लेफ्ट लेफ्ट में हाफ देंगे राइट right में हाफ देंगे जैसे कि फोर्टी फाइव डिग्री एंगल में देंगे लेफ्ट को राइट right को देंगे फिफ्टी डिग्री एंगल में या समथिंग एल्स ऐसे कुछ डिज़ाइन अगर कर लिया तो उसमें आप तो एक तो आपको तीन चार ट्रैक में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा और लेकिन हाँ कोरस uh, के लिए जैसे मान लीजिए अगर कुछ कोरस इफेक्ट uh, आप देना चाहते हो या हारमोनिक्स uh, uh, इसके लिए मतलब नोट्स के लिए अगर आप देना चाहते हो तो उस टाइम ऑब्वियसली आपको तीन चार ट्रैक लेना पड़ेगा लेकिन तीन चार ट्रैक लेके सिर्फ एक ही प्लानिंग को सबने कॉपी कर देने से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे डेप्थ के साथ वो सुनाई देगा ऐसा कोई बात नहीं है आप रीजन के ऊपर डिपेंड करता ही है ये चीज़ ठीक है अच्छा उसके बाद क्या है जैसे कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर लेफ्ट सर से मैं गणेश जी मैंने तो बोला ना लेफ्ट राइट सेंटर जो भी बोलिए भोकल को आपको एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर उसको सेंटर में डालेंगे और उसका जो सेंड रिटर्न जो इफेक्ट्स आप दे रहे हो सेंड में जो आप इफेक्ट्स दे रहे हो वो अगर स्थिर होने से ऑटोमेटिकली उसका जो रिवर्व सेक्शन या रिले सेक्शन जो है वो एक्सपैंड होकर एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में ऑटोमेटिकली चला जाता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको तीन ट्रैक में लेना मतलब आवश्यक है ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ पे लेकिन कभी कभार डिजाइन अगर कर लेते हो आप अगर मान आपको अगर लगता है तो आप कर सकते हो क्योंकि देखो हमेशा इन्वेंशन करते रहोगे तो ना तो नया नया कुछ तो निकल आएगा ही लेकिन कोई प्रिसेज नहीं होता इसका जॉन मॉज सर डोंट फॉरगेट मी आफ्टर बींग वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑन इंजीनियर ऑन यू जॉन जी सो मैनी थैंक्स टू यू बट आई ओंट Want to be a most uh, famous sound engineer on YouTube because I was always like to be stay on behind, I mean, I always like to stay at the very behind of the screen. You know that we are all the engineers, not about me, I am talking, all the engineers and all the technicians who are working for the industry. You see that one thing, they are always behind the screen, okay so it is not necessary to come up in, into the in front of the screen because in front of the screen those are coming there in front of the screen here is the media and media is grabbing their quality and their each and everything but uh, one thing is that i don't forget any, anybody till now you know that uh, from the age of my 22 of mine yeah you know that uh, from the age of my uh, my 22 i was uh, traveling on many, many, many foreign countries for this learning on this industry. You know that. First of all, I went to Bangkok, Thailand, and after that, I went to Japan. I went to then Australia, your country, and that was a uh, very, very, very lovely country also to me. And then I uh, went to uh, England, you know that. So, after passing so many years, from 2000, I am working at Samantha Audio. एंड फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव आई एम जस्ट सब्विंग फॉर यू ऑल्सो सो एंड गट एनी बॉडी ओके इसके बाद हाँ जॉन जी हाँ जी हाँ सो गोइंग टू बी मोस्ट थैंक यू थैंक यू जॉन जी नो प्रॉब्लम शाक्षी दीवे हाँ शाक्षी दिवे नमस्ते जी कैसे हैं आप हम भी तो अच्छे हैं आप भी अच्छे होंगे शायद आपका वहाँ पे महाराष्ट्र में अभी हाल कैसा है सब ठीक ठाक तो है ना और नीलेश पांडे सर एक सिर्फ मास्टरिंग का वीडियो बनाइए वो ओजोन एट पे फुल ट्यूटोरियल ओनली मास्टरिंग वीडियो नीलेश जी मेरे को याद है आपने पहले शायद आपने या और किसी ने शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किए थे हमको किए थे कि एक सिर्फ मास्टरिंग पे एक वीडियो बनाने के लिए मैं आपको कहता हूँ ये वीडियो मिनिमम थ्री आवर्स की लंबी होगी कम से कम थ्री आवर्स की लंबी होगी क्योंकि एक ही मास्टरिंग करते करते हम कम से कम नॉर्मल जब हम मास्टरिंग करते हैं एक गाने का दो ढाई घंटा तो ऐसे ही चले जाते हैं तो मैं आपको लोगों को समझते हुए जब वो वीडियो बनाऊंगा ऑब्वियसली वो तीन चार घंटे का तो होगा ही अगर आपके पास उतना पैशन है उतना टाइम है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सिद्ड वीडियो एंड आई मस्ट मेक आई मस्ट मेक वन आप लोग का आप सोचते रहो पहले मेरे को कॉन्फर्म करो अगर आपको चार घंटा बैठ कर देखने का है कि नहीं नहीं तो स्किप करते हुए जाओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे क्योंकि दिस इज अ वेरी वाइटल चैप्टर नीलेष जी आंसर देना जरूर हाँ शान कुमार जी सर कीक एंड बास में कौन सा प्लाग यूज करते हैं कीक एंड बास में कौन सा प्लाग यूज करेंगे ऐसा कोई प्रि -प्रि है नहीं कि के लिए देखिए सिर्फ दो ही चीज़ लगता है जितने सारे ग्रामी अवार्ड्स निकला है ना नीलेज जी सॉरी सॉरी शान जी मैं आपको बोल रहा हूँ जितने सारे ग्रामी अवार्ड्स इतने बड़े बड़े मतलब म्यूजिक जो हमने सुनते हैं हमको सुनते हैं ना अभी जब जो तो पुराने ज़माने से सुन रहे हैं आज तक भी सुन रहे हैं उसमें लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सिर्फ दो ही चीज़ पर प्लागिंग बोलिए या डायरेक्ट आपका मिक्सिंग कंसोल में जो गैजेट हो रहता है हार्डवेयर रहता है उसमें और उसमें सिर्फ क्या चीज़ है बोले तो सिर्फ एक ई और कंप्रेसर और कुछ नहीं दुनिया का जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स लोग हैं सब का कहना है कि अगर ठीक से अगर इ कर पाएंगे ठीक से अगर मास्टरिंग कर पाएंगे तो और कुछ नहीं चाहिए सब बाकी जो है बहुत सारे प्लागिन्स आपको मिल रहे हैं दुनिया भर का प्लागि देखिए ना अभी वेब्स नाइन वेफ टेन में भर भर के प्लागिन दे रखा है कितने प्लागिन आप यूज़ करेंगे है ना सुनेंगे तो हम लोग जो सुनेंगे तो सिर्फ आवाज़ सुनेंगे और उसका क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लैरिटी सुनेंगे और क्या और तो कहीं और तो कुछ नहीं सुनना आवाज़ अच्छा आना चाहिए जैसे कि मेरे को के मतलब लगे कि हाँ वो गिटार बज रहा है नहीं तो ये तबला बज रहा है तबला अगर मृदंग हो गया और मृदंग अगर ढोलक हो गया तो कैसा ये कौन सा चीज़ है इसीलिए सिर्फ आप इक्वूज़ और कंप्रेसर को ठीक ठाक से यूज़ कीजिए तो ठीक रहेगा वो चीज़ खासतौर पे कीक के लिए तो है ही इक्ज एंड कंप्रेसर बहुत ज़रूरी है गणेश जी थैंक यू सर फॉर योर सर्विस थैंक यू, यू गणेश जी आपको भी तमिल वीडियो सॉन्गस कीबोर्ड रिकॉर्डिंग में यूजी मी डी वर्सेज एनोलॉग मी डी दोनों में क्या फ़र्क है सर कीबोर्ड रिकॉर्डिंग में यूजबी मीडी वर्सेस एनोलॉग मीडी एनोलॉग मीडी, मीडी बोलो तो फाइव पिन ड्रिंक शॉकेट जो होता है ना उसके बारे में बात करो कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि अभी देखो फाइव पिन डिंग शॉकेट जो होता है ये बहुत पुराने ज़माने का था जब हम लोग छोटे थे उस टाइम से देख के आ रहा हूँ कि ये बहुत ही आ, क्या बोलते हैं बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत रेयर मिलता है उसका जो केबल है हमारे पास भी है अभी फिलहाल लेकिन अब दुनिया बहुत कंपैक्ट हो गया है तो अभी यू एस बी से ही आपका साउंड करके काम कर रहा है यू एस बी से आपका मीडिया का काम कर रहा है इसीलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है तामिल जी ठीक है तमिल वीडियो सॉन्ग आपका शुभ नाम बताइएगा मैं आपका क्या क्या नाम पूछता रहता हूँ पता नहीं शायद मेरे मेरे लिए आप भी हंसते होंगे अंदर अंदर जियन भॉयस गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग जी जियन जी सर भोकल का एफएक्स चैन कैसे होना चाहिए भोकल का एफएक्स चैन वेरी गुड पहले मैं बताऊँ भोकल का इफेक्स चेंज पहले तो आपको देखना है भोकल जो अपने रिकॉर्ड लिया है उसका पी एफ एल लेवल कैसा है अगर ठीक ठाक रहेगा तो उसके ऊपर आप ई क्यू एंड कम्प्रेसर जो आपको चाहिए वो ठीक ठाक से डाल दीजिएगा ठीक है तो चेन इसी हिसाब से होना चाहिए पहले ई क्यू उसके बाद कंप्रेसर कुछ लोग ऐसे कहे थे कि नहीं पहले कंप्रेसर उसके बाद एक क्यू हो सकता है जो आपको मर्जी लेकिन अगर पहले ई क्यू देखे उसके बाद कंप्रेसिंग करेंगे तो टोन अलग निकलेगा और पहले कंप्रेसर देखे फिर आप उसके नीचे आप इक्यू देंगे तो टोन अलग निकलेगा जो टोन आपको तो पसंद है उसको रखिए कोई पाबंदी नहीं है किसी का कोई मतलब कोई बार्डन नहीं है और उसके बाद इक्व पहले या कंप्रेशर पहले बात तो यही हो गया कि अंडा पहले या मुर्गी पहले बात ऐसा हो गया ना देखिए किसी को पहले आप बोल नहीं सकते मैं अभी भी जो आपको बोला अगर आप इक्यू को पहले देंगे उसके बाद कम्प्रेशर देंगे सेट करने के बाद ऐसा नहीं है ऐसा लगा दिया और सुन रहे ऐसा नहीं है लगाने के बाद आपको अगर लगता है कि हाँ आ, एक टोन अच्छा लग रहा है मेरे को तो ऑब्वियसली कैन कीप इट अगर आपको लगता है नहीं पहले ही क्यों होना चाहिए क्योंकि टोन पहले बनाएंगे उसका जो डायनामिकिटी मिल रहा है उसका जो स्पार्किंग मिल रहा है उसको आप डायनामिक कर रहे हैं वायदा कम प्रेसर तो उसमें एक आपको जो पीक देता है आपका जो ट्रैक में जो पिक लाइन है मीटर पर वो पीक लाइन एक हद तक आके आपको डायनेमिकिटी देते रहेंगे और कभी वो मतलब डिबी नहीं हो जाएगा तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू यूज़ EQ टोन आई एम जस्ट मेकिंग दोन ये आपका डिमांड है आपका, आपका, जो, आपका जो टेस्ट जैसा बोलेगा वैसा आप कीजिएगा ठीक है आप भूकल इफेक्शन कैसे सेट करते हैं मैं तो आपको बता दिया मैं भोकल कैसे, कैसे सेट कैसे साक्षी दिव्य हाँ गुरु जी हाँ जी आपका तो ठीक ही है महाराष्ट्र में अब सब ठीक ठाक चल रहे तो हमारा महाराष्ट्र में और एक तो और एक स्टूडेंट अभी अटका पड़ा हुआ है वहाँ पे ड्यू टू लॉकडाउन एंड करोना ही नीलेश मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अभी उनको भी क्योंकि उनका एग्ज़ाम होने वाला था और उसी वक्त करोना आ गया शायद नीलेश नीलेश भी देख रहा होगा हमारा लाइव कोई बात नहीं अगर नीलेश ऑनलाइन हो तो ज़रूर बताना कैसे हैं आप नारायण नोजा सर हेडफोन वेयर करना हेडफोन वेयर करता हूँ तो हेड भारी हो जाता है इसका ऐसा होता है क्या पहले नहीं होता था मैं सैमसंग का यूज़ करता हूँ हेडफोन जब आप पहनते हो तो आपका हेड भारी हो जाता है तो भारी तो होगा अगर भारी अगर कुछ लेंगे तो भारी तो होगा ही लेकिन थोड़ा आदत कीजिए ठीक ठाक हो जाएगा जैसे आपको नारायण जी एक चीज़ बता रहा हूँ मैं जब मैं यंग था उस टाइम मेरे माथे पे बहुत बाल थे तो मैंने लगा कि मारे बापी इतना भारी मैं कैसे संभालूंगा अब मैं गंजा बन गया हूँ तो मेरे को लेकिन खाली नहीं लगता है मेरे को लगता है ना मैं का ही जैसा हूँ अभी भी वैसा ही है तो ये आप आदत कर लीजिएगा जैसे धीरे धीरे आदत करेंगे तो आप ऑब्वियसली यू विल बी यूज टू वित योर हेडफोन्स शान कुमार मैसेज वॉज रिट्रैक्टेड नो प्रॉब्लम तमिल भी जी मैं तमिल वीडियो सॉन्ग सचा मैं सर मैं चार घंटा बैठा क्यों सर मास्टरिंग के लिए फुल वीडियो डालो ठीक है जी ठीक है तमिल जी आपको आपको भी यार नारायण जी ने भी मेरे को बोला ठीक है आप ले के लिए हम डालेंगे देखना ज़रूर और उस उसके ज़रिए अगर कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे तो मुझसे ज़्यादा कोई खुशी मतलब और कोई नहीं होगा शान कुमार जी थैंक यू सो मच सर थैंक यू शान जी देव रेडियो ऑडियो देवो नय रेडियो अच्छा देवो नयर रेडियो कहाँ गया खो गया अच्छा 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 ठीक है अच्छा, बहुत लाइन में आ गया ना इसलिए मैं खो गया रहा हूँ कभी कभार देवे रेडियो वेट करे देखो सर मास्टरिंग वीडियो बनान थैंक यू ऑब्वियसली आई विल मेक इट ओके सर वेट एंड दैट टाइम आई आई विल टेल यू दैट हाउ टू कीप योर पेशेंस ऑन द पर्टिकुलर नोट ऑल्सो ओके धीरज रखो बेटा पहले john says sir because of you i started using view meter and i get best output obviously john says g because uh, you have to use the view meter because you have to see what is actually uh, the output level of your intact product i mean that of the original product okay so whether using your uh, external audio that might be that might be over db that, that or might be the less than over db that that might be the sp level minus 6 db or minus 8 db Something else. So, which is uh, uh, optimized? Which is optimized uh, audio clip that is best for mixing? But if you are getting some uh, audio which is more than uh, zero dB and that is already distorted, so how could you make it that uh, so the normal uh, audio file? You cannot do it now. So, it is good for having that also because it is does it the doesn't do anything, but it shows only that the so what is the input level of the particular audio stem. ओके नो प्रॉब्लम प्रवीण डेका सर वेब्स का प्लाग मुझे मिला है और प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छा प्रवीण डेका जी यू आर फ्रॉम असम आई थिंक सो कर रहा हूँ मिक्सिंग मास्टरिंग लेकिन मेरे पास वेब्स का व्यू मीटर डब्ल्यू एल एम मीटर सेफ सेवेंटी थ्री नहीं है क्यों ऐसा क्यों ऐसा है कौन सा वार्ट यूज़ कर रहे हैं आप वेब्स टेन में तो आपको ही जाएगा व्यू मीटर तो उसमें है डब्ल्यू एल एम मीटर उसमें में है और शेप 73 थ्री ये सब तो है उसके बाद फिर से आप ठीक ठाक से इंस्टॉल करके देखिए नहीं तो किसी पूछ किसी से पूछिए आप अगर हो सकता है उनके पास हो बट विल यू हेल्प मी सर देखिए मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि इस मामले में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हम लोग आपको बोल सकते हैं हमको आपको दिखा सकते हैं लेकिन मैं आपको अलग अलग जो प्लानिंग्स है वो तो हम आपको आपको क्या मैं यहाँ पे भी किसी को दे नहीं सकता दीप्तो बागची सर भोकल का गेन कितना रखना चाहिए मिक्सिंग के समय दीप्तो जी मैं एक बात बोलूँ कोई प्रिसेट नहीं है भोकल का गेन जित इतना ही रखना है आपको भोकल का जो फेडर लेवल है जैसे ये फेडर लेवल है मान लीजिए फेडर ट्रैक है इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हो तो आपका ध्यान उधर इधर नहीं रहेगा आपका ध्यान रहेगा मास्टरिंग मास्टरिंग जो मीटर है वहाँ पर वहाँ तक आप वोकल को रखिए जहाँ पे मास्टरिंग के लेवल में मीटर में आपको शो कर रहा है माइनस टेन टू माइनस सिक्स डिबी के अंदर लेकिन याद रखिए आप भूकाल को पहले ही अगर माइनस सिक्स या माइनस टेन के बीच में रखेंगे तो बाकी सब ट्रैक जब एक साथ जब परफॉर्म करेगा उसका भी तो एक एस है साउंड प्रेशर लेवल है ना तो ये सब मिल फिर आपको पूरा अप करके माइनस सिक्स के ऊपर कर देगा इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज में मिक्स लेवल आप रखिए ताकि जब सब ट्रैक क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि आपके पास कितने ट्रैक है और ये आपको भी पता नहीं है कि आपके पास कितने ट्रैक होगा उसका टोटल एस कितने होंगे तो यू हैव टू जस्ट मेक एन आइडिया कि मेरे को कहाँ तक रखना है लेकिन आप जब भोकाल का जो फेडर बढ़ाएंगे बढ़ाते बढ़ाते आपको जो मास्टर का जो लेवल जा रहा है उसमें ध्यान दीजिएगा उसमें कितने रखेंगे माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी या ऐसा कुछ रखेंगे तो सब कुछ मिला के ठीक ठाक रहेगा जब सब एक साथ मतलब परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली पंप अप होकर माइनस टेन टू माइनस सिक्स के बीच में रह जाएगा अगर नहीं गया तो सब ट्रैक को एक वी सी ट्रैक के जरिए कंट्रोल कीजिए तो ऑब्वियसली यू कैन रिड्यूस द टोटल एस पी एल और यू कैन गेन द एस पी एल ऑल्सो तमिल वीडियो संग सर माय नेम इस रफिक आ रफिक जी ठीक है मैं याद रखूँगा मैं याद रखूँगा आपका नाम रफिक ठीक है जी निलेश पांडे सर मैं आपका वीडियो सीख रहा सीख नहीं करता आपका वीडियो स्किप नहीं करता सॉरी जी गलत पढ़ा मैं ah, सर मैं आपका वीडियो स्किप नहीं करता पूरा देखता हूँ इतना अच्छा लगता है कि स्किप करने का मन ही नहीं करता कोई बात नहीं है आप मास्टरिंग का वीडियो बनाएं जरूर जरूर आप सब जब बोल रहे हैं ऑब्वियसली मैं वादा करता हूँ विद इन वन मंथ आई विल मेक इट फॉर यू ओके एंड दैट दैट विल बी लाइव विद इन वन मंथ जितने सारे पाइपलाइन में है उसको हटा के आपका ही डालूंगा मैं लेकिन बाद में गाली मत दीजिएगा प्लीज़ ओके थैंक यू सर जियो भॉय थैंक यू सर माई नेम इज़ अर्पन ओके ओके अर्पन जी ठीक ठाक रहेगा और देखिए अभी अगर मेरा सलाह से अगर आपको कोई मतलब फ़ायदा मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ही ग्रेटफुल होगा अच्छा इसके बाद उसके बाद बड़ी बापरी थैंक यू सर कहा कहाँ गया था खो गया मैंने ठीक है गेट नरेश भ गेट ज़्यादा लगाने से क्या प्रॉब्लम होती है अच्छा नरेश जी आपने एक सवाल किया था गेट ज़्यादा लगाने से क्या प्रॉब्लम होती है है ना ज़्यादा गेट लगाएंगे इट इज कॉल्ड एक्सपेंडर इट इज़ द एक्सपेंडर एक्चुअली डज दिस दिस टाइप ऑफ वर्क तो आपने अगर गेट ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या होगा जो टेल है ना टेल सबसे बड़ी बात है जो टेल पॉइंट तबले का मान लीजिए या सिंगिंग का आ, जो टेल वार्ड है या तेल जो सूर है वो खा जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्रेशर लेवल वो खा जाएगा वो आपके पास मतलब सुनाई नहीं देगा आ, लेकिन मतलब रिकॉर्डिंग अगर रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर गेट ज़्यादा लगा देंगे तो तो खतरनाक चीज़ हो जाएगी क्योंकि वो वो चीज़ आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं सितार में जैसे सितार में एक चिकारी लगा दिया तो उसका आवाज़ का जो जो संतुलन होता है ना बाद में वो जो रेजोनेंस होता है वो रेजोनेंस आपको नहीं मिलेगा एक हद तक आपको मिलेगा उसके बाद डेथ काट हो जाएगा और स्टार्टिंग का भी अगर थ्रेशोल्ड लेवल बहुत आ, अपने मतलब बहुत टाइट कर रखा है अटैक लेवल भी बहुत ढीला रखा है और रिलीज भी बहुत टाइट रखा है या ढीला रखा है तो स्टार्ट में जब स्ट्रोक करेगा एक एक पर्टिकुलर एस्पीएल तक जाके वो उसके बाद से रिकॉर्ड करेगा उसका पहला वाला स्पेल रिकॉर्ड नहीं करेगा जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसा करके थोड़ा सा नीचे आवाज़ से ऊँचा आवाज में गा रहा था तो नीचे आवाज़ गायब हो जाएगा ऊँचा आवाज़ रहेगा फिर जब वो ऊँचा आवाज़ से नीचे आवाज़ में आए, आएंगे ना तो उसका टेल वाला भी खत्म तो इसको मत आ, उसके बाद पर एक बोले भलो कम्प्रेसर यूज करग कम सील टू ए सिल सेवेंटी सिक्स एक नएज आसर नएजा किट करा जाए नएज काट करटार तो रही बहुत अनेक किए जो अनेक प्लागिंगस आज है तुम एक बार खुलकर देखो डी नॉजर बोले अन्य किचु आने यूज़ करते पर बट सी एल ए टू ए सी एल ए सेवेंटी सिक्स ए नॉइस क्यों हमारे एखने आ जानि ना तुम्हारे कैन आस <coughs> निशा वाइटी सर माइक्रोफोन से कितना दूर रह के वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहिए साउंड रिकॉर्ड के टाइम निशा जी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ प्रॉक्सिमिटी बोल के एक चीज़ होता है आपका माइक्रोफोन जहाँ रहेगा हाँ एक पीज़ एक चीज़ याद रखिएगा अगर माइक्रोफोन कौन सा है अगर वो आपका कंडेसर माइक्रोफोन है कंडेसन माइक्रोफोन है तो ऑब्वियसली हैव टू मेन्टेन सिक्स इंचज अपार्ट फ्रॉम द मेन माइक्रोफोन इन दैट क्योंकि आपका सामने माइक्रोफोन रहेगा उसके उसका बाद एक पॉप फिल्टर रहेगा फिर आपका वॉ मतलब माउथ रहेंगे उसका था, जो आप जहाँ से आप सिंगिंग कर रहे हो तो दोनों का बीच में जहाँ पे सिंगर खड़ा है और जहाँ पे माइक्रोफोन खड़ा है दोनों का बीच में मिनिमम सिक्स इंचेस दूरी रहना चाहिए अगर गाने का जेनर बहुत मतलब तो हाई एंड का है जैसे मान लीजिए बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला के गाना गा पड़ता है तो तो ऑब्वियसली दैट माइट बी टेन टू ट्वेल्व इंचेस ओके सो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो जो डेप्थ आ रहा है इसका जो मिक्सिंग में वो डेप्थ कहाँ तक आ रहा है और डिटेल्स मिल जाए कि नहीं ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ नजदीक जाके इसलिए मैं ज़्यादा मतलब मेरे को कम गाना पड़ रहा है बहुत सारे सिंगर्स ऐसे लोग हैं आप अपनी मतलब जो अंदर से आवाज़ को निकलना नहीं चाहता है वो चाहता है कि बहुत नज़दीक आके गाना गाए माइक्रोफोन का तो उसमें आवाज़ अच्छा आता होगा लेकिन ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि जितना नज़दीक से आप गाना गाएंगे उतना ही डिस्टर्ब आपका साउंड आएगा जब प्रोसेसिंग के बाद जब आप सुनेंगे तो इससे सरा हुआ चीज़ और कुछ नहीं है तो मेंटेन कीजिएगा ठीक है निशा जी जी भाई सर प्रोलॉन्ग म्यूज़िक वर्क करते वक्त एक यार फैटिक अच्छा यार फैटिक होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए एनी टिप्स प्रोलॉग म्यूजिक हाँ एक तो फैटी आना चाहिए अभी मेरा मतलब ये भी मेरे पास भी कभी कभार आ, आ जाता है लेकिन अभी तक अभी कुछ मतलब किया तो नहीं मैंने तो आ, मैं आपको बताऊंगा बाद में अगर जब मेरे को टिप्स मालूम हो जाएगा क्योंकि ये अभी भी मेरा इन्वेंशन में है जब मेरा इन्वेंशन मतलब आ जाएगा सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा जरूर ठीक है कुमार राणा नमस्कार भैया नमस्कार नमस्कार राणा जी कैसे हैं अच्छा रफीक जी आपने क्या लिखा थैंक यू सर अच्छा ठीक है तमिल बीडियो सॉन्ग रफीक जी ओके okay, कोई बात नहीं एम ओ सेंस म्यूजिक सर डाफ पैनिंग के बारे में बताइए डाफ पेनिंग के बारे में बताइए मतलब डाप आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं पहले बताइए सिंगल माइक से डबल माइक से या ट्रिपल माइक से माइकिंग का टेक्निक कैसा है आपका एक्सवाइज मैक्सिंग करते हैं या एच माइकिंग कर सकते हैं मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप उसी हिसाब से मैं आपको पैनिंग के बारे में बोल सकता हूँ और श्रीनिवास चेरी स्रीवास चेरी गुड इवनिंग सर गुड गुड इवनिंग श्रीनिवास जी ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी टेन पास ट्वेंटी फोर ओके सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है श्रीनिवास uh, जी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग एक चीज़ होता है मिक्सिंग में क्या होता है ना बहुत सारे स्ट्रीम होता है गाने पे एक ट्रैक होता है दूसरा ट्रैक होता है एक ट्रैक होता है ब्रिदिम का रिदिम का हो सकता है दस बारह ट्रैक में म्यूज़िक का जो है वो होता है दस बारह ट्रैक और जो बैकअप जो वोकल्स है उसको हो सकता है सात आठ ट्रैक्स तो ऐसे करते हुए आपको मिनिमम सेवेंटी एट एट्टी ट्रैक्स तो ऐसे बन ही जाता है अगर आप छोटा मोटा प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो तो इस सब ट्रैक को पर्टिकुलर टोन देके मतलब इसको इक्व करके टोनिंग देकर रिवाव वगैरह जो भी आप चाहते हो उसको देने के बाद एक कॉम्पैक्ट स्टीरियो फाइल में बाउंस करने को बोलता है मिक्सिंग अभी जो मिक्सिंग कर रहे ये इसको बोलते हैं मिक्सिंग लेकिन हम लोग बोलते हैं प्रीमिक्स क्योंकि उस प्रीमिक्स में क्या रहता है हंड्रेड परसेंट क्रिस्टल क्लियर साउंड लेकिन हम लोग रखते नहीं हैं थोड़ा बहुत माटी साउंड रहता है क्योंकि हमको बाद में जाके उसको भी काट करना होगा क्योंकि बहुत सारे लो फ्रिक्वेंसीज़ है बहुत सारे हाई फ्रिक्वेंसीज़ है ओवर हाई जो सब है सब क्लियर करना चाहिए इसीलिए थोड़ा बहुत मान लीजिए टू परसेंट थ्री परसेंट या टेन परसेंट तक माडी साउंड उसमें रह जाता है प्रीमिक्स में तो ये है मिक्सिंग लेकिन वहाँ पर अपने जो जो गलतियाँ किए हैं और जो जो गलतियाँ हम लोग करते हैं उसको लास्ट एंड फाइनल सुधरने का टाइम जिसके ज़रिए हम करते हैं उससे कहते हैं मास्टरिंग करना उसमें क्या होता है उसमें ओवरऑल जो प्रीमिक्स फाइल जो हमको मिला है इतने सारे ट्रैक्स का मेरे को सिर्फ एक ही स्टूडियो ट्रैक मिला है जिसके अंदर सब कुछ है और बैलेंस की के से है और उसको हम लोग बाय मतलब जो बाय द सॉफ्टवेयर हम लोग उसको क्या करते हैं उसमें से जो फ्रिक्वेंसी हमको नहीं चाहिए उस फ्रिक्वेंसी का निकाल देते हैं जिस फ्रिक्वेंसी का आ, लो एंड हमको एम्फेसिस करना है उसको एम्फेसिस करते हैं ऐसा बहुत सारे कुछ करते हैं हम तो करते करते उसको जब पूरा पॉलिश अप हो जाता है फाइनली उसके बाद उसको पामप अप करते हैं जैसे कि मैक्सिम जरिए मैक्म जरिए हम, हम जैसे हम लोग करते हैं वैसे मैक्सिम के जरिए हम लोग उसको पाम अप करते हैं और उसमें स्टीरियो एनहेंस करते हैं मतलब अगर कोई हाई फ्रिक्वेंसी है तो वो कहाँ से कहाँ तक कितना लेफ्ट एंड राइट कितना वाइड वो फैलेगा इसको भी हम वहाँ पर सेट करते हैं इट्स कॉल्ड द मास्टरिंग एंड मास्टरिंग इज़ द फाइनल प्रोडक्ट वाट यू आर गेटिंग ऑन द मार्केट अब आजकल तो मार्केट में तो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ ऑफसीडी बिकता नहीं है तो मार्केट बोलो तो मतलब यूट्यूब बोलो या कुछ भी ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो ये है सिर्फ मिक्सिंग के साथ और मास्टरिंग का फ़र्क मिक्सिंग का जो लेवल होता है वो होता है माइनस सिक्स टू माइनस टेन में और उसके बाद जो मास्टरिंग करते हो उसका लेवल सब कुछ साउंड को निखारने के बाद हम लोग उसको आप टू जीरो डिबी तक पहुँचा जाता है लेकिन वो जीरो डिबी तक नहीं होता है माइनस जीरो पॉइंट वन डीबी तक होता है और उसका एल एफ एस लेवल जिसको बोलते हैं आर एम एस जो काउंट होता है वो होता है वो होता है माइनस फोर्टीन एल यू एफ एस ठीक है जब मास्टर लेकर हम लोग क्लास करेंगे, देंगे ऑब्वियसली आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज तो इसके बाद इमोशंस जी आपका तो डाप पैनिक के बारे में बता दिया गुड इवनिंग श्रीनवास श्रीनिवास जी श्रीनिवास जी आपका तो क्वेश्चन का सवाल का जवाब तो दे ही दिया मैंने गणेश विश्व साहब के स्टूडेंट आशीष राय से कॉन्ट्रैक्ट होता है हाँ गणेश विश्व आशीष राय बहुत अच्छा बहुत अच्छा लड़का है वो हाँ कांटेक्ट हो, होता अभी नहीं अभी वो कहा है पता नहीं है लेकिन यहाँ से पास आउट कर चुका है वो बहुत एक साल पहले लगभग हमारे स्टूडेंट से पास आउट हो चुका है वो আচ্ছা পরম্পরা স্টুডিও কোথায় হলো কোয়েশ্চেনটা অনেক দিন ছিল মনের যেখানে যেখানে আপনার কাছে তখন আপনি আমাকে ভয় তখন আমি আপনাকে ভয় পেতাম খুব তাই করতে পারেনি এখনও ভয় পাই আপনাকে সব কি ব্যাপার বাঘ ভাল্লো নাকি আমি ঠিক আছে দীপান নিশ্চয় ভাই ঠিক স্যার ভোকাল মে ভয়েস কা বেশ कैसे बढ़ाएं? जी वॉयस का बेस कैसे बढ़ाएं? ऐसा तो मैंने पहली बार भी एक बार बोल दिया था वॉयस का जो बेस है वो एक्चुअली वैसे नहीं बढ़ते वॉयस के अंदर बेस होना चाहिए और मान लीजिए जैसे कि मेरा बहुत पतला आवाज़ है तो मैं उसमें अगर बेस आर्टिफिशियल बेस कैसे डालूँगा संभव नहीं है लेकिन फिर भी आपको लो एंड को काट कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत लो मीट को लेके थोड़ा सा काम कीजिए तो थोड़ा बहुत तो ऑटोमेटिकली बेस पांच हो ही जाएगा उसमें ठीक है <coughs> ट्राई करके देखिए एक बार डिजिटल क्रिएशन गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग जी आई एम राजेश के सी फ्रॉम काठमांडू ओके हाँ आपसे तो मिला था पहले शायद पिछले मंथ में नेपाल नेपाल वाई टू ड्राम ट्रैक्स डा नॉट सिंक्रोनाइज प्रॉपरली वाई टू ड्राम ट्रैक्स डज नॉट सिंक्रोनाइज प्रॉपरली वन ऑफ़ द ट्रैक्स कुड नॉट बीट प्रॉपरली द वॉली ट्रैक्स आर इक्वल हाँ जी वॉलीम लेवल जब दोनों इक्वल है तो दोनों ड्राम ट्रैक्स को हो सकता है कि इक्वल uh, ना भी सुनाई दे बिकॉज व्हाट यू आर लुकिंग व्हाट यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन दैट इज द बाई डीट ऑफ वी जी ए वी जी ए मतलब वीडियो ग्राफिक्स एसोलेशन उसके उसके जरिए क्या होता है जो ग्राफिक्स आप देखते हो uh, एक ऑडियो ग्राफिक्स दिखाता है लेकिन उसके अंदर जो एस है मतलब उसका आर जो है आर कम ज़्यादा होने के नाते आपको दोनों ट्रैक जबकि उसका लेवल बराबर है दोनों ट्रैक का लेकिन साउंड बराबर सुने नहीं देगा तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए उसके अंदर आ, उसका आर कितना है उसका इनपुट लेवल मतलब जिसका जो बाइक डिफॉल्ट उसका जो एस कितना है चेक कर लीजिए तो ऑब्वियसली वो आपको फर्क नजर आ जाएगा अच्छा उसके बाद आ, उसके बाद रफीक जी ने क्या लिखा है तमिल वीडियो सॉन्ग्स फुल सॉन्ग्स मेकिंग यूट्यूब लैब में फुल सॉन्ग्स मेकिंग यूट्यूब लैब में डालो ना सर हाँ डालेंगे डालेंगे जब फुल सॉन्ग्स मेकिंग का अगर जब हमको परमिशन मिलेगा ऑब्वियसली हम डालेंगे ठीक है नीलेश पांडे सर सराउंडिंग मिक्सिंग का क्या होता है और कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ बताइए नीलेश जी सराउंड मिक्सिंग कैसे सर, क्या होता है आप नील जी एक बात पूछू आपसे जैसे कि मान लीजिए आप सामने खड़ा हो पीछे से आपका भाई आपको बुला रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक कैसे लगता है कि भाई मेरे को पीछे से बुला रहे हैं बाया साइड से बुला रहे डाया साइड से बुला रहे ऊपर से आपका मम्मी चिल्ला रही है अरे ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ आपको कैसे मालूम होता है कि मम्मी ऊपर से बुला रही है मेरे को तो ये जो ह्यूमन ईयर है ह्यूमन ईयर एक्चुअली क्या करता है ना थ्री डिग्री आ, सुनते हैं ये जो थ्री डिग्री हम लोग सुनते हैं इसको हमने आर्टिफिशियली एक रूम के अंदर या हॉल के अंदर हम लोग उसको क्रिएट करते हैं इस कॉल द सराउंडिंग सराउंड साउंड और इसके लिए एक कोडेक की ज़रूरत होता है ऐसा कि नहीं बात नहीं है कि आपके पास जो डॉ है उस पर सराउंडिंग फैसिलिटीज़ है मतलब आप सराउंड कर सकते हो बिल्कुल नहीं गलत बात है और जो मार्केट से आप फाइव पॉइंट वन सेवन पॉइंट वन जो सराउंड स्पीकर खरीद के लाते हो टी वी में लगाते हो उसमें से भी, उसमें भी आपको सराउंड साउंड नहीं निकलता होगा जब तक उसके अंदर कोडेक नहीं डालेंगे आप तो ये है सैरन साउंड और सैरन साउंड के बारे में अगर जब क्वेश्चन मांग डालेंगे तो मतलब वीडियो डालेंगे तो बहुत दुखी बात है क्योंकि हमारे यहाँ पे सैरन का कोई कोडेक है ही नहीं अगर जब कोडेक आ जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग डालेंगे आ, देखते रहना दीप तबाक जी हाँ जी थैंक यू दीप तवाग जी नो ब्लड का है सर मैं साहिल बिहार से मैं आप के हर एक वीडियो देखता हूँ आप बहुत अच्छे सिखाते हैं थैंक यू साहिल जी फुल सॉन्ग्स मेकिंग तो हम दिखाएंगे उसके बाद सर इंस्ट्रूमेंटल पैनिंग फ्रीक्वेंसी पैनिंग बताएं जरूर बताएंगे वीडियो में ऑलरेडी हाँ एक दिन पैनिंग लेके हम बात बात मतलब वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम दिखाएंगे आपको लेकिन देखना ज़रूर स्किप करके मत जाना और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप बिना सब्सक्राइब कैसे देख पाते हैं इसको मैं वही सोचता हूँ कि आपको खबर कैसे मिल जाता है साथ जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा ताकि हमको थोड़ा बहुत उपकार हो जाए ठीक है माइनस सिक्स डे टू माइनस टेन डे भी हाँ uh, जी शा, शान कुमार जी यस माइनस सिक्स टू माइनस टेन डे भी तो है ही ये तो एक्चुअली आपको इसी इनपुट में आपको लेवल लेवल पे मेंटेन करते हुए आपको रिकॉर्ड करना चाहिए और प्रीमिक्स भी ऐसा होना चाहिए इमोसेंस निशा वैरी सर एक फीमेल वोकल का इक्यू कैसे करना चाहिए जब हम फीमेल वोकल को लेकर यहाँ पे इकू करेंगे ऑब्वियसली आपको दिखाएंगे निशा जी कोई बात नहीं है श्रीनिवास चीज थैंक यू सर दैट वाज ए वेरी इम्पॉर्टेंट ओके इंफॉर्मेटिव ओके कोई बात नहीं है थैंक यू टू मच गणेश सर ऑनलाइन क्लास कितना बेनिफिट रहेगा इज दिस सक्सेसफुल देखिए आजकल जो जमाना है गणेश जी ऑनलाइन क्लास मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा जैसे मैं आपको एक ग्लास पानी पीना रहा हूँ मतलब आप पानी आपको आपको एक ग्लास पानी पीना है मैं आपको एक ग्लास पानी आपको दिया आप देख रहे है पानी है पानी डाल भी दिया है आप पानी पी सकेंगे नहीं पी सकेंगे मतलब आप देख पा रहे लेकिन उसका टेस्ट उसका जो एक्चुअली जो क्या होता है मतलब उसका जो जरूरियत है आपका अंदर वो पूरा नहीं हो पाएगा ऑनलाइन क्लास में क्या होता है मैं आपको साथ सच बोलता हूँ जो भी हो रहा है ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ पर भी है लेकिन जो भी है

सो दैट इज नॉट मैं तो आपको झूठ नहीं बोलूंगा दैट इज नॉट वर्टफुल फिर भी आप सीखने के लिए ठीक है सर डज क्रैक डोज हैव समेज डिजएडवाटेजेस हाँ ऑब्वियसली एडवाटेज क्रैक डोज में तो ऑब्वियसली डिसवानज रहेगा ही बिकॉज इट डजेंट है प्रॉपर डी एल एल फाइल्स एंड समथिंग एल्स वॉट एवर इट भी ओके ठीक है जी अभी मैं अभी टाइम के बाहर जा रहा हूँ आप सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ अल्लाह अच्छा फिर से तमिल वीडियो सॉन्ग्स मतलब एनोलॉग मिक्सर से लाइव ऑर्केस्ट्रा क्यों मिल अच्छा क्यों मल्टी ट्रैक में रिकॉर्डिंग करना कर रखो की करने कहूँगा क्या सर मैं समझानी आपका क्वेश्चन का जी ठीक है आगे बहुत ठीक ठाक से लीजिएगा और मिलेंगे बाद में मिलेंगे ज़रूर Uh, इसके बाद स्टूडियो सिंफोनी सर कोई भी ट्रैक को जब हम स्टूडियो करते हैं तो उसकी ट्रैक में रिवर्ब लगाया हुआ है अच्छा कोई भी ट्रैक में जब हम स्टूडियो करते हैं तो उसी ट्रैक में जो रिवर्ब लगा हुआ है उसके साथ स्टूडियो फील का क्या, क्या संपर्क है ऑब्वियसली क्योंकि आप जब कोई ट्रैक में जब आप, आपको जब ट्रैक मिलता है ना कोई भी ट्रैक जो हम स्टूडियो करते हैं सेंटर वॉयस में जो है सेंटर वॉयस सेंटर में ले जाता है उसके ऊपर जो रिवर्व आप लगाते हो रिवर्व क्या क्या करता है उसी सेंटर वोकल को लेके या कोई भी टोन को लेके उसको डाया तरफ या बाया तरफ मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट में अकॉर्डिंग टू इट्स सेटिंग्स उसको वो स्प्रेड अप कर देता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो उसका जो इफेक्ट है वो मतलब वो आपका स्पीकर में मिलता था है. और इसीलिए आप जब कोई जो मॉडर्न सॉन्ग जो बोली है कोई भी सॉन्ग जिसमें ज़्यादा रिवअप किया हुआ है उसको आप आ, कोई भी डॉमिन लग आप अगर चाहते हो कि उसके से उसमें से अगर भोक, सेंटर भोकल को उड़ा दिया जाए तो उड़ा देने से भी आपको साइड में उसका भोकल हल्का हल्का सा भोकल आपको सुनाई देगा यही वैसा है अच्छा जी जी बस सर पिंक नॉइस का यूज मिक्सिंग में होता है क्या जी जी अर्पण जी हाँ जीवंस बॉयस पिंक नॉइज़ का यूज़ मिक्सिंग में होता नहीं है बिकॉज व्हाइट नॉइज़ इज़ यूज़फुल टू अस बट पिंक नॉइज इज़ नॉट यूज़फुल अच्छा ये इस बात इसके बारे में मैं आपको बोलूँगा पिंक नॉइज़ आजकल की तारीख में बहुत ही कम मिलता है पिंक नॉइस जब डीसी करंट मतलब हुआ करता था उस टाइम पिंक नॉइस होते और पिंक नॉज अगर एक बार घुस जाने से उसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं था तो <coughs> फिर भी आप वाइट नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हो हम लोग अभी हमारा जो प्रोग्राम है एंड में ऑलरेडी आ चुके हैं तो जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूँ लास्ट संडे को शायद एक वीडियो अपलोड हुआ था कि जो नॉइज़ रिमूव करने का जो जो तरीका हमने दिखाए थे तो उसमें किसी ने हमको बहुत सारे लोगों ने हमको सवाल किया था जो वो जो पिंक वाइट नॉइज़ जो हमने हमको मिला है वो कहाँ से मिला है मैं एक्चुअली इसको क्लियर करने के लिए आज खासतौर पर ये लाइव रखा हूँ कि आपको वाइटनेस में एक नमूना देके आपको बताया था ऐसा नहीं कि वाइटनेस आपको चाहिए तब जाके आपको वॉइस रिड्यूस होगा मतलब आपका नॉइस रिड्यूस होगा मेरा कहने का मतलब था कि आप जब कोई मतलब रूम में या कोई जगह में आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें जैसे जब जब मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का फ़ैन सिप चल रहा है सी का फ़ैन चल रहा है मतलब आपका वहाँ जो यू का उसका फ़ैन चल रहा है ए का फैन चल रहा है बहुत सारे नॉइज़ है तो ये नॉइज़ जो रूम का इसी से कहते हैं रूम नॉइज़ तो ये रूम नॉइज़ को पहले आप बिल्कुल मतलब बिना बात करते हुए आपका गाने का मान लीजिए पाँच मिनट लेंथ है तो पाँच मिनट रिकॉर्ड कर लीजिए कोई एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं आना नहीं चाहिए रूम का नॉइज़ और उसी जो जो रूम नॉइज़ जो है उसी नॉइज़ को आप ऊपर ट्रैक में रखिए या नीचे ट्रैक में रखिए और जो ट्रैक जो उसी रूम पे उसी रूम पे जो आप वॉयस रिकॉर्ड कर रहे हो वोकल रिकॉर्ड कर रहे हो उसी को उसके ऊपर बिठा दो लेकिन याद रखना उसका जो फेडरल लेवल है फेडरल लेवल में छेड़ना नहीं ठीक है और जो रूम नॉइज जो ट्रैक आपने रिकॉर्ड किया है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए तो इन्वर्ट करने से क्या होगा आपका वोकल जो रिकॉर्ड किया हुआ वोकल ट्रैक में जो रूम जो नॉइज़ था जो ऐड हो चुका है ऑलरेडी जो आपको डिस्टर्ब कर रहा सुना है सुनाई नहीं दे रहा ठीक ठाक से क्लियर साउंड वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से रिड्यूस कर देगा सिर्फ आपका वॉइस वहाँ पे पड़ा रहेगा नीट एंड क्लीज वॉइस पड़ा रहेगा सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही था और इसीलिए मैं उस दिन एक वाइट नोएज़ दे वीडियो को अपलोड किया था और उसी वाइट नोएज़ को मेरा वॉइस के साथ पाइल करके कंपाइल करके मैंने आपको दिखाया था कि कैसे उसमें से वो वाइट नोइस रिमूव किया जाए तो दोस्तों मैं मेरे को लगा कि आप शायद इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आजकल कर बहुत सारे लोग घर में ही रिकॉर्डिंग करते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन निकल रहे तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ कीजिए और मेरे को भी कभी कभार सुनाइए हमको भी मौका दीजिए आपका गाना सुनने का ऐसा नहीं कि आप अगला अच्छा अच्छा गाना सुनेंगे हमको हमको सुनाएंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है जी तो आ, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीक में मैं लाइव में आऊँगा तब तक के लिए आपका आपसे अलविदा लता हूँ लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ क्योंकि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समल मतलब संभाल के रखिएगा क्या क्या सम, मतलब क्वेश्चन करना है मैं मानता हूँ कि एक घंटा काफ़ी नहीं है सवालों के लिए लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर एक घंटा भी है दैट इज़ इनाफ फॉर यू एंड एनाफ फॉर मी ऑल्सो सो फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे रहेंगे और बहुत ही बढ़िया रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ तो चलिए अभी आज अभी टेन फोर्टी हो गया अभी अभी हम अलविदा लेते हैं नमस्ते जी अच्छा रहेगा नमस्ते